नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। चुनाव आयोग ने दी 1 फरवरी को बजट पेश करने की मंजूरी। कहा चुनावी राज्यों में न हो उपलब्धियों और नई योजनाओं की घोषणा। 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर की अधिसूचना आज। पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन। अखिलेश यादव सुल्तानपुर से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। जल्लीकट्टू प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। डीएमके की राज्यपाल से न्यायिक जांच की मांग। हाईकोर्ट ने कहा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा का ध्यान रखे पुलिस। विजय माल्या मामले में आईडीबीआई के पूर्व अध्यक्ष समेत 5 अधिकारी गिरफ्तार। किंगफिशर के 4 अधिकारी भी सीबीआई की गिरफ्त में। नियमों का उल्लंघन कर कर्ज देने का आरोप। ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से हटेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी फैसले को मंजूरी। 12 देशों के साथ व्यापार के लिए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने किए थे हस्ताक्षर। संसद के बजट सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्य मंत्री ने इस महीने की 30 तारीख को सभी दलों की बैठक बुलाई है ताकि दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए विपक्ष का सहयोग हासिल किया जा सके। संसदीय कार्य मंत्री की ओर से बुलाई गई बैठक में अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी चंदे में पारदर्शिता के मुद्दे को उठा सकते हैं। संसद का बजट सत्र इस महीने की 31 तारीख को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के अभिभाषण के साथ शुरू होगा। आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला हिस्सा 9 फरवरी तक होगा जबकि सत्र का दूसरा हिस्सा 9 मार्च से शुरू होगा और 12 अप्रैल तक चलेगा। और अब चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। चुनाव आयोग ने 1 फरवरी को आम बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि आयोग ने साफ कर दिया कि बजट में चुनावी राज्यों के लिए किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकेगा। साथ ही वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र भी नहीं होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने आम बजट टालने की याचिका को खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट में 5 चुनावी राज्यों के बारे में कोई विशेष घोषणा नहीं की जाए। आयोग ने कहा कि वित्त मंत्री के भाषण में इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख भी नहीं होना चाहिए। आयोग ने सरकार को 2009 की एक एडवाइजरी की याद भी दिलाई जिसमें कहा गया था कि परंपरा के मुताबिक चुनावों से पहले पूर्ण बजट की बजाय लेखानुदान पेश किया जाता है। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने आम बजट टालने की जनहित याचिका खारिज कर दी। साल में जो है वो 12 महीने कहीं कोई न कोई चुनाव होते रहते हैं। बजट जो है किसी एक राज्य का या किसी एक राज्य से रिलेटेड नहीं होता। बजट जो है वो पूरे देश का होता है। इसलिए जो लोग उसको रोकने की बात या जो लोग उसको बढ़ाने की बात कर रहे थे उसमें तर्क नहीं था, तथ्य नहीं था, बल्कि राजनीतिक उसके कारण थे। चुनाव आयोग से ये उम्मीद की जाती है कि वो अपने संवैधानिक जिम्मेदारी पूरा करेंगे किसी तरह से आम बजट में, क्योंकि मोदी सरकार की पहले से आदत रही है किसी तरह से प्रलोभन लोभ देने की। मोदी सरकार द्वारा अगर प्रयत्न की जाएगी तो उस पर चुनाव आयोग उचित कार्रवाई करेंगे। केंद्र सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले ही 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र बुलाने का फैसला किया था। कांग्रेस समेत 16 विपक्षी दल चुनाव के मद्देनजर 1 फरवरी को आम बजट पेश किए जाने का विरोध कर रहे थे और इस मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना के साथ ही आज से नामांकन का काम शुरू हो जाएगा। इस दौर में राज्य के 12 जिलों की कुल 69 सीटों के लिए 19 फरवरी को मतदान होगा। नामांकन की प्रक्रिया 31 जनवरी तक चलेगी। नामांकन पत्रों की जांच 1 फरवरी को होगी और 3 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। वहीं पहले दौर के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन है। पहले चरण में 15 जिलों की 73 सीटों के लिए 11 फरवरी को मतदान होना है। प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों के लिए 11 फरवरी से 8 मार्च के बीच
7 चरणों में मतदान होगा। इस बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये उनकी पहली चुनावी रैली होगी। उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारे और गठबंधन का मामला सुलझने के बाद राजनीतिक दलों के सामने बगावत से निपटने और वोटरों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की चुनौती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन की माथापच्ची के बाद बीजेपी और कांग्रेस आगे की रणनीति बनाने में जुट गई हैं। लंबी मशक्कत के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सीटों के बंटवारे और उम्मीदवार तय करने का काम निपटा लिया है। अपर्णा यादव लखनऊ कैंट में रीता बहुगुणा जोशी के सामने चुनाव लड़ेंगी। गठबंधन के नेता राज्य में बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रत्याशी घोषित किए जा रहे हैं, विधानसभा क्षेत्र संख्या 175 लखनऊ कैंट, श्रीमती अपर्णा यादव। हमने ये निर्णय लिया था कि हम अपने बलबोते पे इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस इकट्ठे हो गए। लोगों को शायद संदेह यह हो गया कि इन हालात में शायद कोई अल्टरनेटिव नहीं बन पाएगा और बीजेपी अल्टरनेटिव हो सकता, इसलिए हम सब इकट्ठे हो गए। बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर की भारत समाज पार्टी को 8 सीट दी है। ओम प्रकाश राजभर खुद मऊ से कौमी एकता दल के मुख्तार अंसारी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी राज्य में 2002 के बाद से सत्ता से बाहर है और इस बार वापसी की कोशिश में है। देखिए, लड़ाई तो उत्तर प्रदेश में सपा से भी है, बसपा से भी है, लेकिन सीटें अलग अलग क्षेत्र की हैं। तीनों अलग अलग नहीं, तीनों एक हैं। और भारतीय जनता पार्टी इन तीनों के एक साथ मिलकर के लड़ने के बाद भी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी और उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार बनाएगी जो उत्तर प्रदेश की जनता की आकांक्षा के अनुरूप। और जहां तक रही टिकट की बात, चुनाव लड़ाने की बात, जिम्मेदारी की बात, तो ये तो हमारे नेतृत्व उसका आकलन करता है और अपने तरीके से जिस कार्यकर्ता को जहां उपयुक्त लगता है वो निर्णय वो लेता है। इस बीच आरएलडी ने सोमवार को कुछ और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। पार्टी ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बागियों को टिकट देने में तवज्जो दी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन टूटने के बाद आरएलडी ने राज्य में छोटे दलों के साथ मिलकर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वही कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने नौजवानों को मुफ्त पेट्रोल देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में 2 रूपये गेहूं, 3 रूपये चावल और 7 रूपये किलो चीनी का वादा भी शामिल है। कांग्रेस ने गोवा के लिए सोमवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने सरकार बनने पर कैसीनो बंद करने और खनन शुरू करने का वादा किया है। सस्ता अनाज और युवाओं के लिए कई लोक लुभावन वादे भी घोषणा पत्र में शामिल हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी सरकार पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप भी लगाया। हर एक गोवन का मैनिफेस्टो है, हर एक व्यक्ति का मैनिफेस्टो है, हर नौजवान का मैनिफेस्टो है, हर महिला का मैनिफेस्टो है, हर एक व्यक्ति का है। इसमें स्वास्थ्य की सुविधाएं, शिक्षा की सुविधाएं, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 5,000 रूपए का, जिसके घर में 1 लाख से कम आमदनी है। तो ये एक संयुक्त मैनिफेस्टो है जिसमें हर व्यक्ति की आशा अभिलाषा शामिल है। दिस इज अ मैनिफेस्टो विच इज डेडिकेटेड टू द यूथ, टू द एम्पावरमेंट ऑफ यूथ, टू एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, टू एम्पावरमेंट ऑफ द वर्कमैन, टू एम्पावरमेंट ऑफ एवरी गोवन। इट्स समथिंग डिफरेंट, वी हैव डन इट। घोषणा पत्र में गोवा के नागरिकों की दोहरी नागरिकता के मुद्दे को सुलझाने, युवाओं को रोजगार, छात्रों को 5,000 रूपए मासिक पेट्रोल देने, गोवा के निवासियों को सरकारी नौकरी में वरीयता देने का वादा भी है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोशिश का भी जिक्र है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर कभी भी वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया। कांग्रेस जो वादे करते है वो कभी निभाते नहीं, हम वादे करते हैं वो निभाते हैं। लास्ट टाइम हमने जो वादे किए थे उसमें से 90% काम पूरा किया, वादे किया वो निभाने पड़ते हैं, वो निभाए हमने। बीजेपी 27 जनवरी को घोषणा पत्र जारी करेगी। आम आदमी पार्टी पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। राज्य में 4 फरवरी को एक ही चरण में 40 सीटों के लिए चुनाव होना है। रविंद्र सिंह शौरण, राज्यसभा टीवी। वहीं मणिपुर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कल 31 उम्मीदवारों की सूची जारी की। मणिपुर में पहले चरण में 4 मार्च जबकि दूसरे चरण में 8 मार्च को मतदान होना है। पहले दौर के लिए 20 और दूसरे दौर के लिए 11 नामों पर फिलहाल फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ओखला में बोबी सिंह के खिलाफ थौबल से बीजेपी के एल बसंता सिंह उम्मीदवार होंगे।
60 सीटों वाली मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला, 15 साल से सत्ता में काबिज कांग्रेस के साथ है। पार्टी ने मणिपुर में मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। मणिपुर में इस बार नए जिलों का गठन, उग्रवाद, विवादित आफ्सपा कानून, बेरोजगारी, आर्थिक नाकेबंदी, आम हड़ताल, पहाड़ी और घाटी के लोगों के बीच टकराव जैसे मुद्दे अहम हैं। और मणिपुर में फिर सरकार बनाने की कांग्रेस की कोशिशों को झटका लगा है। राज्य में पार्टी के दो निवर्तमान विधायकों समेत पार्टी उपाध्यक्ष एस अचोभा ने पार्टी छोड़ दी है। कांग्रेस विधायक नीमचा किबजीन और वुंगजांगिन वाल्टे ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष टीएन हाउकिप के अलावा स्पीकर टी लोकेश्वर को अपना इस्तीफा भेजा है। राज्य में 7 नए जिले बनाने के सरकार के फैसले के बाद से पार्टी में कई नेता विरोध जता चुके हैं। राज्य में कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधे मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। अब कुछ और अहम खबरें। जलीकट्टू के समर्थन में प्रदर्शन के बीच तमिलनाडु विधानसभा से कल जलीकट्टू विधेयक आम सहमति से पारित हो गया। मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने विधानसभा में बिल पेश किया जिसका सभी दलों के सदस्यों ने समर्थन किया। बिल में इस पारंपरिक खेल को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के दायरे से बाहर रखने का प्रावधान है। इससे पहले राज्य सरकार ने जलीकट्टू के आयोजन के लिए अध्यादेश जारी किया था, लेकिन लोगों ने इस पारंपरिक खेल पर स्थायी समाधान के लिए प्रदर्शन जारी रखा। और इससे पहले जलीकट्टू के समर्थन में आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई जगहों पर झड़पें हुई, इनमें 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम ने राज्य के डीजीपी, गृह सचिव और मुख्य सचिव के साथ बैठक करके हालात की समीक्षा की। केंद्र ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट तलब की है। वहीं मुख्य विपक्षी दल डीएमके ने हिंसा की न्यायिक जांच कराने की मांग की है। ये तस्वीरें हैं तमिलनाडु में जलीकट्टू समर्थकों और पुलिस की झड़प की। जलीकट्टू पर स्थायी समाधान की मांग को लेकर सोमवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। इसमें कई लोग घायल हुए हैं। वहीं नाराज भीड़ ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक कई प्रदर्शनकारी वाम दलों से जुड़े संगठनों से जुड़े हुए हैं। डीएमके, सीपीआईएम समेत विपक्षी दलों ने पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है। वहीं केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने लोगों से प्रदर्शन खत्म करने की अपील की। स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट एंगेज पुलिस अगेंस्ट द एजिटेटर्स, दैट विल प्रेसिपिटेट द मैटर फर्दर एंड इट विल लीड टू अदर फॉर्म्स ऑफ एजिटेशंस। आई अपील टू ऑल दिस यंगस्टर्स, प्लीज कॉल ऑफ द एजिटेशन, रिज्यूम योर स्टडीज। द गवर्नमेंट ऑफ द डे लेड बाय श्री तिरुपन्नीरसेल्वम वही मद्रास हाईकोर्ट ने जल्लीकट्टू को लेकर जारी प्रदर्शन के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। राज्य सरकार के अध्यादेश लाने के बाद रविवार को तमिलनाडु के कई इलाकों में जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया था, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 28 लोग घायल हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जा रही है, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आदिवासियों से मिलने आज हम पहुंचे हैं उड़ीसा राज्य के मलकानगिरी जिले की बोंडा घाटी। बोंडा आदिवासियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए जो काम किए जाने थे, क्या वो काम हुए? संविधान और कानून ने इनको जो हक दिए, क्या वो इन आदिवासियों को मिल पाए? सीबीआई ने विजय माल्या कर्ज मामले में आईडीबीआई बैंक के पूर्व अध्यक्ष योगेश अग्रवाल समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आईडीबीआई बैंक के 4 पूर्व अधिकारी और माल्या की बंद हो चुकी कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस के 4 पूर्व अधिकारी भी शामिल हैं। सोमवार रात गिरफ्तार किए गए सभी 9 लोगों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आईडीबीआई के इन अधिकारियों पर विजय माल्या को नियमों का उल्लंघन करके कर्ज देने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी ने आईडीबीआई बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष योगेश अग्रवाल को गुड़गांव से और किंगफिशर के पूर्व मुख्य वित्त अधिकारी
ए रघुनाथन को मुंबई से गिरफ्तार किया। सीबीआई के अधिकारियों ने इससे पहले विजय माल्या के घर समेत 11 स्थानों पर छापेमारी की। इनमें बेंगलुरु में यूबी टावर की 3 मंजिलें और अग्रवाल और रघुनाथन के आवास शामिल हैं। कोयला घोटाले में पद के दुरुपयोग के मामले में सीबीआई के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से उनकी भूमिका की जांच करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अपनी निगरानी में सीबीआई डायरेक्टर की अगुवाई में एसआईटी बनाई है जो रंजीत सिन्हा पर लगे आरोपों की जांच करेगी। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में लगता है कि पूर्व सीबीआई प्रमुख रंजीत सिन्हा ने पद का गलत इस्तेमाल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 जुलाई को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में सरकार ने कोर्ट से कहा था कि सीबीआई की जांच समिति ने पाया है कि इस घोटाले के हाई प्रोफाइल आरोपियों से रंजीत सिन्हा ने मुलाकात की थी और विजिटर्स डायरी असली है। इसमें क्या क्या क्रिमिनल ऑफेंस कमिट हुए प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के, ये इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा। उन्होंने जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं सीबीआई के, और उनके अंदर 2 ऑफिसर्स की एसआईटी गठन करने का आदेश दिया है, और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट ने अपॉइंट करे हैं कोयले के मामले में मिस्टर चीमा, उनको बोला है कि वो उस टीम को लीगल हेल्प देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से एक हफ्ते के भीतर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए महानिदेशक नियुक्त करने का निर्देश दिया है। जस्टिस जेएस खेहर ने केंद्र सरकार से मानवाधिकार संस्था के सदस्यों को भी 4 हफ्ते के भीतर नियुक्त करने के लिए कहा है। अदालत ने कहा कि अगर इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी जाए और कोई आदेश पारित कर दिया जाए तो सरकार मुश्किल में आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मोबाइल सिम की वेरिफिकेशन की व्यवस्था के बारे में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। बेंच ने पूछा कि मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल अब बैंकिंग के लिए भी होने लगा है, ऐसे में मोबाइल यूजर्स की आइडेंटिटी की स्क्रूटनी के लिए सिस्टम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट आज एक एनजीओ की ओर से दायर जनहित याचिका में केंद्र सरकार और ट्राई को निर्देश देने की मांग की गई थी कि मोबाइल सिम धारकों की पहचान पता का वेरिफिकेशन जरूरी कर दिया जाए। देश में समय करीब 5 करोड़ मोबाइल यूजर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के निजी स्कूलों पर फीस बढ़ाने से रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि स्कूल को फीस बढ़ाने के पहले राज्य सरकार से मंजूरी लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के अभिभावकों के लिए बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। इसमें डीडीए की जमीन पर चल रहे करीब 450 प्राइवेट स्कूल बिना सरकार की मंजूरी के फीस नहीं बढ़ा सकते। प्राइवेट स्कूलों ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इट इज सर्टेनली अ सेटबैक फॉर द प्राइवेट स्कूल्स एंड अ विक्ट्री फॉर द पेरेंट्स नॉट ओनली ऑफ दिल्ली बट ऑल ओवर द कंट्री। यू सी व्हाट इज हैपनिंग इज दैट इन 50s, 60s, 70s, 80s era, more than 400 schools were allotted lands with a condition that they cannot increase fees without permission of the Directorate of Education. But they have been increasing every year arbitrarily. दिल्ली सरकार ने भी कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और निजी स्कूलों को आगाह किया कि कोर्ट का फैसला नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैं भी कह रहा हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि आपने ये सोचे समझे बिना साइन कर दिया था कि इसका मतलब क्या है, तो फिर जमीन वापस कर दीजिए। सरकार वहां पे कोई अच्छा स्कूल चला लेगी, सरकार कोई ढंग का काम कर लेगी वहां पे, लेकिन जनता की जमीन है, करोड़ों की जमीन है। आप जमीन भी लेंगे और उसके अलॉटमेंट लेटर की शर्तें भी नहीं मानेंगे तो ये तो नहीं चलेगा इस राजनीति में। पिछले साल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि जो स्कूल डीडीए की जमीन पर बने हैं वो दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट 1973 से बंधे हैं और उन्हें फीस बढ़ाने के लिए सरकार से इजाजत लेनी होगी। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। दिल्ली से नोएडा और नोएडा से दिल्ली सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। डीएनडी फ्लाईओवर पर अगले 8 हफ्ते तक टोल की वसूली बंद रहेगी। डीएनडी टोल कंपनी के खातों के ऑडिट के लिए सीएजी ने और वक्त मांगा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 8 हफ्ते के लिए टाल दी है। अदालत ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को जारी रखने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट पहले ही डीएनडी को टोल फ्री करने का आदेश दे चुका है। पूरे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने कैग से स्पेशल रिपोर्ट मांगी थी। अब कैग ने इस रिपोर्ट को जमा करने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा है।
हीराखंड एक्सप्रेस रेल हादसे की जांच के लिए एनआईए ने कल घटनास्थल का मुआयना किया। एनआईए हादसे के पीछे आतंकी साजिश और इससे जुड़े अन्य पहलुओं पर भी जांच करेगी। इसके अलावा हैदराबाद से आई फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। शनिवार रात हुए इस हादसे में रेलवे ने साजिश की आशंका जताई थी। इस बीच हादसे में मरने वालों की तादाद बढ़कर 41 हो गई है। शनिवार देर रात जगदलपुर से भुवनेश्वर जा रही हीराखंड एक्सप्रेस कुनेरू स्टेशन के पास हादसे का शिकार हो गई थी। सरकार ने विदेश सचिव एस जयशंकर का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने विदेश सचिव के कार्यकाल को 28 जनवरी 2018 तक बढ़ाने का फैसले को कल मंजूरी दी है। समिति ने आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास का भी कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। अब वो 31 मई तक इस पद पर बने रहेंगे। बहादुरी की मिसाल कायम करने वाले 25 बच्चों को कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नवाजा। इनमें 12 लड़कियां और 13 लड़के शामिल हैं। 4 बच्चों को ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। ये बच्चे गणतंत्र दिवस की परेड में भी हिस्सा लेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बच्चों को महापुरुषों की आत्मकथा पढ़ने की सलाह दी। ये पुरस्कार हर साल भारत सरकार और भारतीय बाल कल्याण परिषद की तरफ से दिए जाते हैं। इसके लिए देश भर से उन बच्चों को चुना जाता है जो अपने साहस और बहादुरी से नजीर पेश करते हैं। और अगर आपके जीवन में ये एक अवसर आया है पराक्रम का, क्या आप सर्वाधिक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, जीवन चरित्र, ये जितना ज्यादा हो सके अभी पढ़ना चाहिए। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए व्यापार समझौते ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से खुद को अलग करने का फैसला किया है। सोमवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इससे जुड़े प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। 12 देशों के दस्तखत वाले समझौते को पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में अमल में लाया गया था, जिसे ओबामा की एशिया नीति की धुरी माना जाता है। ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि इससे अमेरिका के कामगारों को फायदा होगा। उन्होंने विदेशों में कारखाने लगाने वाली कंपनियों पर भारी सीमा कर लगाने का भी ऐलान किया। ट्रंप ने कॉरपोरेट टैक्स को मौजूदा 35% से कम करके 15% या 20% तक करने की उम्मीद जताई। इसके अलावा उन्होंने सीरिया में आईएस के खिलाफ रूस के साथ सैन्य अभियान चलाने की भी बात कही है। मॉरिशस के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ने विपक्ष के विरोध के बावजूद बेटे प्रवीण को सत्ता हस्तांतरित कर दी है। हालांकि विपक्ष ने उनके फैसले को खारिज करते हुए फिर चुनाव कराने की मांग की है। जगन्नाथ ने सोमवार को राष्ट्रपति के रूप से इस्तीफा दे दिया था। उनका कार्यकाल 2019 में खत्म होना था। जगन्नाथ के मुताबिक इस युवा को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। जगन्नाथ 1982 से कई बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के नए प्रधानमंत्री को बधाई दी है। सीरिया में शांति के लिए कजाकिस्तान में चल रही वार्ता के पहले दिन कोई सहमति नहीं बन पाई। इसमें सीरियाई सरकार और विद्रोहियों के बीच संघर्ष विराम पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया। सीरिया सरकार ने बैठक के आखिरी दिन किसी नतीजे पर पहुंचने की उम्मीद जताई है। वहीं शांति वार्ता में शामिल रूस ने बातचीत को सकारात्मक बताया। हालांकि तुर्की ने साफ किया कि सीरिया में शांति के लिए वार्ता के अलावा अन्य उपायों पर भी काम करना होगा। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना करने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की आज पुण्यतिथि है। मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्मे डॉक्टर भाभा ने परमाणु कार्यक्रम के भावी स्वरूप की ऐसी मजबूत नींव तैयार की जिसकी बदौलत भारत आज विश्व के प्रमुख परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल है। भौतिक विज्ञान और गणित में उनकी रुचि शुरुआत से ही थी। ये डॉक्टर भाभा की काबिलियत थी जो उन्होंने वक्त से पहले ही परमाणु ऊर्जा की क्षमता और उसके उपयोग की संभावनाओं को परख लिया था। उन्होंने 1944 में नाभिकीय ऊर्जा पर अनुसंधान शुरू किया। डॉक्टर होमी भाभा 1948 में भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष भी बने। उन्हें 1954 में पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। 24 जनवरी 1966 को फ्रांस के मॉन्ट ब्लांक पर्वत पर एक विमान दुर्घटना में उनकी मौत हो गई।
डॉक्टर भाभा अपने अंतिम समय तक देश के लिए विज्ञान की सेवा में लगे रहे। उनके सम्मान में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे को भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नाम दिया गया। आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित भीमसेन जोशी की पुण्यतिथि है। किराना घराने की परंपरा के संवाहक रहे पंडित जी ख्याल गायकी को एक अलग मुकाम पर लेकर गए। राग भैरव और भीम पलासी में उनकी बंदिशें सुनकर दर्शक भाव विभोर हो जाते हैं। मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यह आवाज सुनते ही हमारे सामने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उस महान साधक की छवि सामने आती है जिसे हम पंडित भीमसेन जोशी के नाम से जानते हैं। किराना घराने के इस गायक का जन्म 4 फरवरी 1922 को कर्नाटक के गड़ग में हुआ था। बचपन से ही संगीत में रुचि रखने वाले पंडित जी ने ग्वालियर के उस्ताद हाफिज अली खान से संगीत की बारीकियां सीखी। 19 साल की उम्र में उन्होंने मंच पर अपनी पहली प्रस्तुति दी। उन्होंने कलाकार के तौर पर मुंबई में रेडियो में काम किया। वो मियां की तोड़ी, भीम पलासी और दरबारी जैसे अनगिनत राग छेड़कर संगीत प्रेमियों का दिल जीत लेते थे। उन्हें ख्याल गायन के साथ साथ ठुमरी और भजन गायकी में भी महारत हासिल थी। हिंदी और कर्नाटक भाषा में पंडित जी ने कई भजन गाए। काया नहीं तेरी, नहीं तेरी, काया नहीं तेरी। साहित्य में अमूल्य योगदान के लिए 2008 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। पंडित भीमसेन जोशी का 24 जनवरी 2011 को पुणे में निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। चुनाव आयोग ने दी 1 फरवरी को बजट पेश करने की मंजूरी। कहा, चुनावी राज्यों में ना हो उपलब्धि और नई योजनाओं की घोषणा। 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक। उत्तर प्रदेश में तीसरे दौर के लिए अधिसूचना आज। पहले चरण के लिए नामांकन का आखिरी दिन। अखिलेश यादव सुल्तानपुर से करेंगे चुनाव प्रचार की शुरुआत। जल्लीकट्टू प्रदर्शन के दौरान हिंसा पर केंद्र ने मांगी रिपोर्ट। डीएमके की राज्यपाल से न्यायिक जांच की मांग। हाईकोर्ट ने कहा प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा का ध्यान रखे पुलिस। विजय माल्या मामले में आईडीबीआई के पूर्व अध्यक्ष समेत 5 अधिकारी गिरफ्तार। किंगफिशर के 4 अधिकारी भी सीबीआई की गिरफ्त में। नियमों का उल्लंघन कर कर्ज देने का आरोप। और ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से हटेगा अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी फैसले को मंजूरी। 12 देशों के साथ व्यापार के लिए पूर्व राष्ट्रपति ओबामा ने किए थे हस्ताक्षर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।